कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का मतलब क्या ये समझते हैं। सपोज करो एम वन मूविंग विद यू वन, ड्रॉ करो साथ साथ, एम टू मूविंग विद यू टू, कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटीज एम वन एंड एम टू है, एम वन एंड एम टू है। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी वी वन है एंड इसकी वेलोसिटी वी टू है। ध्यान आगे बनाए साथ साथ। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि अगर M1 ने M2 को कोलाइड करना है तो U1 बड़ा होगा U2 बड़ा होगा, या U2 बड़ा होगा U1 बड़ा होगा, या कुछ भी हो सकता है। U1 की U2 में से 100% आप श्योर हो कि U1 ही बड़ा होगा? क्यों? तभी टक्कर होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब कोलिजन होगी तो ऑब्वियसली ये इसको तभी टक्कर मारेगा जब U1 की वैल्यू बड़ी होगी और U2 की वैल्यू छोटी होगी। सही है। अब मान लो टक्कर हो गई, हो गई टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी वी वन वी टू हो गई। अब बोलो वी वन बड़ा होगा कि वी टू बड़ा होगा, कि अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वी वन अभी बड़ा है वी टू से, वी टू बड़ा होगा। ठीक है, तुम दो गेंदे ले लेना और दो बॉल्स को एक के पीछे एक फेंक लेना। वो कौन सी गेम है वो कौन चलती है वो बोलिंग, तो एक बॉल स्लो फेंकना और एक उसके पीछे फेंकना। ठीक है, तो देखो कैसे चलेगी आपके हिसाब से बॉल। एक आराम से जा रही है, दूसरी आती है, फिर टक्कर मारती है, फिर वेट करती है, मैं दोबारा टक्कर मारूंगी, हाँ क्योंकि क्योंकि इसकी स्पीड दोबारा टक्कर मारेगी, फिर रास्ते दोबारा टक्कर मारे। ऐसा होता है कभी? बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक ही बार टक्कर मारेगी और जो आगे वाली है वो फटाफट तेज चलना स्टार्ट हो जाएगी और पहले वाली रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी। टक्कर के बाद ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देती है, तो V2 बड़ा हो गया और V1 छोटा हो जाएगा। सही है। मल्टीपल कोलिजन नहीं होने वाली एक ही टक्कर में कि तुमने फेंक दी और वो टक्कर मारता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, एक ही बार होगा। M2 बड़ा, ओके ओके ठीक है, मैं ये करेक्शन कर देता हूँ, ये बात तो सही कह रही है। अगर M2 बहुत बड़ा होगा तो वो चल ही नहीं रहा, वो कह रही है फिर वो टक्कर मार के वापस भी आ सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा चलो ठीक है, नॉर्मल मासेज हैं, बहुत बड़े और छोटे मासेज नहीं है, नॉर्मल बॉल्स हैं, नॉर्मल बॉल्स हैं, ये सही है, करेक्शन है, सही है। क्योंकि मास बहुत बड़ा हो गया, मान लो ये तो 100 किलो का कर दोगे फिर तो चलेगा ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट वैलिड है इसका। अगर सर हम रोटेशनल मोशन स्टडी नहीं हुआ, बात भी नहीं करनी, बस सीधा लीनियर मोशन चल रहा है, घूमना नहीं है अभी इसमें। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, सीधा उसको हिट करता है और चलो ये अज्यूम कर लो, अगर आपको इतने कन्फ्यूजन है, यू वन बड़ा है, यू टू छोटा है, वी वन छोटा है और वी टू बड़ा है, चलो मान लो ऐसा हुआ। मुझे ये बताना है कि जब इनकी कोलिजन होने जा रही थी इनिशियली, तो एम वन एम टू को क्या कर रही थी? अप्रोच कर रही थी, इसके पास जा रही थी, क्योंकि टक्कर मारने के लिए पास तो जाना पड़ेगा, तो एम वन एम टू को अप्रोच कर रही थी। तो अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आपके पास वैल्यू होगी बड़ी में से छोटी वेलोसिटी को आपने क्या कर देना है? माइनस। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर कोई पूछे तो यू वन माइनस यू टू, क्योंकि टक्कर से पहले एक दूसरे को ही अप्रोच कर रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, दो बॉडीज आपस में सेपरेट हो रही हैं। क्यों? टक्कर के बाद ये दूर, इनके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, सेपरेशन बढ़ती जाएगी। और अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो v2 माइनस v1। ठीक, तो u1 माइनस u2, v2 माइनस v1। तो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फॉर्मूला क्या बन गया रेस्टिट्यूशन का? v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस
यू टू, ये फॉर्मूला कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो इस चैप्टर में वी वन वी टू के बड़े बड़े फॉर्मूलाज और ये ई का फॉर्मूला अपने फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर जरूर कर लेना। यू टू सॉरी, ठीक है। तो वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, लिटल मीनिंग नहीं पता, ठीक। तो ई एक नंबर है इतना पता है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है इतना पता है, और सबसे बड़ी बात ये करता क्या है। तो कोई काम भी तो होता होगा ना कि ऐसे विले बैठ के बस रेशो निकाल दिया और काम खत्म हो गया, कोई तो लॉजिक होता होगा। ये आपको ये बता सकता है, कोलिजन की टाइप बता देगा कौन सी टाइप है। दिखाता हूँ कैसे। तो कोलिजन की कितनी टाइप्स हमने की थी, हमने तीन की थी, परफेक्टली इलास्टिक, फिर हमने किया था इन इलास्टिक, फिर हमने किया था परफेक्टली इन इलास्टिक, ऐसे किया था, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ कोलिजन की परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में याद करो जब अभी हम कर रहे थे उसमें एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर थ्री चेक कर लेना, क्या थी, u1 प्लस v1 इज u2 प्लस v2, चेक कर लो, यही थी ना, यही थी। और जो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन को डिवाइड करके आई थी, तो इसमें जरा ध्यान से देखना, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 कर लो, रीअरेंजमेंट ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, तो आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या आएगा, वन। वो क्यों, वन इसलिए आएगा, या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि रेशियो क्या होगी इसमें, इन दोनों की रेशियो क्या होगी, वन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 की वैल्यू क्या आएगी, वन। तो मैंने प्रूव कर दिया, और ये रेशियो क्या होती है, e। मैंने प्रूव कर दिया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में e किसके इक्वल होता है, वन। तो जिन न्यूमेरिकल्स में e वन है पक्का वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ही होंगे, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो जिनके अंदर e1 है वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक इन कोलिजन है। तो इससे पता लग रहा है, रेस्टिट्यूशन ये बता रहा है कि किस कैटेगरी की कोलिजन है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन वन है। सेकेंड बॉडी लेफ्ट पे रहेगी हमेशा, कोई वो तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, ठीक है। चलो वो ले लेते हैं, ये देखो वो ले लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है परफेक्टली इन इलास्टिक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में अगर आपको ई निकालना हो तो बस मुझे ये बताओ कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सेपरेशन नहीं होती। सेपरेशन ना होने का मतलब फाइनल वेलोसिटीज दोनों बॉडी की एग्जैक्टली क्या होती है, सेम, कॉमन वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं वो, कोई भी बॉडीज विल अटेन अ कॉमन वेलोसिटी। तो ये टर्म आपस में कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया ना कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडीज चिपक जाती हैं उनका ई पक्का क्या होगा, जीरो, सही है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जीरो है। और इसके अलावा जो कोलिजन है उसका नाम क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, क्योंकि ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक हुई ना ये परफेक्टली इन इलास्टिक हुई, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है जीरो और वन के बीच में, ये नोट कर लें।